फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट वन के इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे और वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग हैविंग गिवन स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी सल्फा सेलेजिन, ऑप्शन सी एसिटाइल सेलिसिलेट एंड ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। यानी जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कौन सी ड्रग का स्ट्रक्चर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड सी बोथ। ये स्ट्रक्चर एस्पिरिन ड्रग का है और एस्पिरिन को ही एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड या एसिटाइल सेलिसिलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर टू, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी साइकोटिक एजेंट इज, ऑप्शन ए आइसोकार्बोक्साजाइड, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी मेप्रोबेमेट एंड ऑप्शन डी फेनेलजिन। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एंटी साइकोटिक ड्रग है और साथ ही साथ ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हेलोपेरिडोल। फ्रेंड्स, हेलोपेरिडोल इज ए ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव यूज एज एंटी साइकोटिक एजेंट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ब्यूटायरोफिनोन रिंग दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री, द सेंट्रल बाईसाइक्लिक रिंग इन पेनिसिलिन इज नेम्ड एज, ऑप्शन ए 4-thia-1-aza-bicyclo-3-2-heptan, ऑप्शन बी 1-thia-1-aza-bicyclo-3-2-heptan, ऑप्शन सी 4-thia-1-aza-bicyclo-3-2-0-heptan एंड ऑप्शन डी 1-thia-4-aza-bicyclo-1-2-3-heptan। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 4-thia-1-aza-bicyclo-3-2-0-heptan। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेनिसिलिन स्ट्रक्चर की तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थायाजोलिडीन प्लस बीटा लेक्टम रिंग। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, 6-amino-penicillinic acid। बात करें अगर 1 और 5 एटम के बीच, तो 1 और 5 एटम के लेफ्ट साइड में 2 एटम है 6 और 7 पोजिशन पर और राइट साइड में 3 एटम है 2, 3 और 4 पोजिशन पर, जबकि 1 और 5 बॉन्ड डायरेक्ट लिंक है, उनके बीच में कोई एटम नहीं है, दैट इज 0 एटम। सो देयर नेम इज 3-2-0-heptan। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देता हूँ कि इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वो सारे के सारे कई कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा, तो इन क्वेश्चंस को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर टू ए टॉक्सिक कंपाउंड कॉल्ड, ऑप्शन ए डाइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी फॉस्जिन गैस। यानी क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि ये लाइट या एयर में रहेगा तो एक टॉक्सिक कंपाउंड बनाएगा, तो उस टॉक्सिक कंपाउंड का दोस्तों क्या नाम है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फॉस्जिन गैस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर एटम कंटेनिंग एस इनहिबिटर इज, ऑप्शन ए एनालेप्रिल, ऑप्शन बी लिसिनोप्रिल, ऑप्शन सी कैप्टोप्रिल एंड ऑप्शन डी रेमिप्रिल। तो इनमें से कौन सा एस इनहिबिटर है जिसके अंदर सल्फर एटम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैप्टोप्रिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विथ देयर बेसिक न्यूक्लियस। यानी एक तरफ बेसिक न्यूक्लियस दे रखा है और दूसरी तरफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम दे रखे हैं, तो हमें इनका बेसिक न्यूक्लियस के साथ उनके नाम को मैच करना है। ए बेंजोथायाजेपिन डेरिवेटिव, बी फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव एंड सी 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। और सामने दे रखा है डिल्टियाजेम, वेरापेमिल एंड एम्लोडिपिन। तो इनमें से मैच करके देखें क्या आंसर होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बेंजोथायाजेपिन डेरिवेटिव इज डिल्टियाजेम, एग्जाम्पल ऑफ फिनाइल एल्काइल अमीन डेरिवेटिव इज वेरापेमिल एंड एग्जाम्पल ऑफ 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव इज एम्लोडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। द IUPAC नेम फॉर कैफीन इज ऑप्शन ए 1,3 डाइमिथाइल जैंथिन, ऑप्शन बी 1,3,7 ट्राइमिथाइल जैंथिन, ऑप्शन सी 3,7 डाइमिथाइल जैंथिन एंड ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों कैफीन का IUPAC नेम क्या होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1,3,7 ट्राइमिथाइल जैंथिन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैफीन के स्ट्रक्चर की, तो कैफीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9। 1 नंबर पर R एटम अटैच है और 7 नंबर पर R1 एटम अटैच है। अगर हम बात करें कैफीन की, तो R और R1 पर CH3 ग्रुप होंगे, तो इसका मतलब 1, 3 और 7 तीनों जगह मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे 1,3,7 ट्राई मिथाइल जैंथिन। अगर इसी तरीके से थियोफाइलिन की बात करें, तो वहाँ R पर CH3 ग्रुप होगा और R1 पर H ग्रुप होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल जैंथिन। और अगर हम थियोब्रोमिन की बात करें, तो R पर हाइड्रोजन एटम होगा और R1 पर CH3 ग्रुप होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3,7 डाइमिथाइल जैंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मेलिन यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इज ए मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए 20% वेट बाई वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10-15% मिथेनॉल, ऑप्शन बी 37% वेट बाई वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10-15% मिथेनॉल, ऑप्शन सी 20% वेट बाई वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10-15% इथेनॉल एंड ऑप्शन डी 37% वेट बाई वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10-15% इथेनॉल। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होना चाहिए इसका, यानी फॉर्मेलिन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 37% वेट बाई वॉल्यूम फॉर्मेल्डिहाइड गैस इन वाटर प्लस 10-15% मिथेनॉल। फ्रेंड्स मिथेनॉल इज एडेड एज सॉल्वेंट टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज ऑप्शन ए क्यूनोक्सालिन, ऑप्शन बी गामा पिकोलिन, ऑप्शन सी 2-nitro-1-butanol एंड ऑप्शन डी निकोटिनामाइड। तो फ्रेंड्स जो आइसोनियाजाइड की सिंथेसिस होती है, तो उसमें स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 बार GPAT एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज गामा पिकोलिन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें आइसोनियाजाइड के सिंथेसिस की, तो इसके अंदर इस तरीके से स्टेप्स होंगे, और फर्स्ट जो होगा वो गामा पिकोलिन है, और उसके बाद में आइसोनिकोटिनिक एसिड बनता है, और लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो आपका आइसोनियाजाइड बनता है, जो हाइड्रोजन की रिएक्शन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। कोट्रिमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए पायरीमेथामिन एंड सल्फासीटामाइड, ऑप्शन बी ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, ऑप्शन सी ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फासीटामाइड एंड ऑप्शन डी पायरीमेथामिन एंड सल्फामिथोक्साजोल। फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम
many times. The right answer is option B, that is trimethoprim and sulfamethoxazole. Friends, cotrimoxazole is a combination of trimethoprim and sulfamethoxazole in 1:5. इन दोनों को इसलिए कॉम्बिनेशन में लेते हैं क्योंकि इन दोनों का टी हाफ लाइफ सेम होता है, दैट इज 10 hours, एंड द रेशियो ऑफ ड्रग इन ब्लड रिचेज टू 1:20. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11. द कन्फिगरेशन ऑफ क्यूनिन इज ऑप्शन ए 8S एंड 9R, ऑप्शन बी 8R 9R, ऑप्शन सी 8S 9S एंड ऑप्शन डी 8R 9S. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 8S 9R. अगर हम बात करें क्यूनिन के स्ट्रक्चर की दोस्तों, तो क्यूनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें 8 और 9th पोजीशन पे जो एटम जुड़े रहेंगे वो इसके कन्फिगुरेशन को डिसाइड करेंगे. अगर हम सिंकोना के वेरियस एल्कलॉइड की बात करें, तो क्यूनिन जिसमें R पोजीशन पर OCH3 ग्रुप होगा और कन्फिगुरेशन 8N9 कार्बन होगा 8S9R. अगर इसका ऑप्टिकल आइसोमर देखें तो ये लियो रेट्रेटरी होगा. नेक्स्ट देखें क्विनिडीन, जिसके अंदर भी R पोजीशन पर होगा OCH3, बाकी इसका जो कन्फिगुरेशन होगा 8th और 9th कार्बन पर वो होगा 8R9S और ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होगा. नेक्स्ट देखें सिंकोनिन, जिसमें R पर हाइड्रोजन एटम होगा और इसका कन्फिगुरेशन 8th और 9th कार्बन पर होगा 8R9S, ये भी आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा. एंड लास्ट देखें सिंकोनिडीन, जिसमें R पर हाइड्रोजन एटम होगा और कन्फिगुरेशन होगा 8th और 9th कार्बन पर 8S9R और इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा लिवोफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12. IUPAC नेम फॉर लिग्नोकेन, लिडोकेन और ज़ाइलोकेन इज. दोस्तों ये तीनों नाम सिनोनिम्स हैं और तीनों ही ड्रग्स एक ही हैं, तो आप कभी भी इनमें कंफ्यूज ना होएं. ऑप्शन ए 2-diethyl अमीनो एसिटाइल 2-6 ज़ाइलाइट, ऑप्शन बी 1-diethyl 2-अमीनो एसिटाइल 2-6 ज़ाइलाइट, ऑप्शन सी 2-dimethyl अमीनो एसिटाइल 2-6 ज़ाइलाइट एंड ऑप्शन डी 1-dimethyl अमीनो एसिटाइल 2-6 ज़ाइलाइट. तो फ्रेंड्स क्या राइट आंसर होना चाहिए? फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 2-diethyl अमीनो एसिटाइल 2-6 ज़ाइलाइट. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे 2-6 ज़ाइलाइट के साथ में आपका 2-diethyl अमीनो एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13. मॉर्फिन एंड हेरोइन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ. ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन C4 एंड C6, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ डी रिंग, ऑप्शन सी एसिटाइल ग्रुप एट C1 एंड C6 एंड ऑप्शन डी नन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एसिटाइल ग्रुप एट C1 एंड C6. फ्रेंड्स मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, जो आपको याद आ गया होगा स्ट्रक्चर देखते ही. अगर हम इसके बात करें तो इसके तीन डेरिवेटिव हैं मॉर्फिन, जहाँ पे R और R' पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम है और R" पोजीशन पर CH3 एटम है. इसी तरीके से बात करें कोडीन की, तो R और R" पर यहाँ पे CH3 एटम होगा और R' पर हाइड्रोजन एटम होगा. और इसी तरीके से बात करें हेरोइन की, तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप यानी COCH3 ग्रुप R और R' पोजीशन पर लगा हुआ होगा, जो C1 और C6 कार्बन पर अटैच है और R" पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14. 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड कंटेन 2 अमीनो एसिड्स विच आर. ऑप्शन ए L-cysteine एंड L-valine, बी L-cysteine एंड L-alanine, ऑप्शन सी L-cysteine एंड L-valine एंड ऑप्शन डी L-cysteine एंड L-alanine. फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज L-cysteine एंड L-valine. फ्रेंड्स
जो सी ऑप्शन में एल सिस्टीन दे रखा है, इट इज ए डाइमर ऑफ एल सिस्टाइन। तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट ही काम में आती है इसकी सिंथेसिस में, इसलिए आपका आंसर आएगा एल सिस्टाइन एंड एल वेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरेम्फेनिकोल कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। द एक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरेम्फेनिकोल एंटीबायोटिक इज। दोस्तों इसके क्वेश्चन से ही दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है, तो क्लोरेम्फेनिकोल करती है। किस में करती है, तो इन्फेंट्स में करती है। किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, तो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज से होता है। अब इसमें पूछा गया है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरेम्फेनिकोल एंटीबायोटिक कौन सी है, तो ऑप्शन ए है L3O, ऑप्शन बी L-erythro, ऑप्शन सी D3O एंड ऑप्शन डी D-erythro। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज D3O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। सल्फासेलेजिन इज ए प्रोड्रग एक्टिवेटेड इन इंटेस्टाइन बाई विच एंजाइम। ऑप्शन ए एजो रिडक्टेज, ऑप्शन बी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंड ऑप्शन डी स्यूडोकोलिनेस्टरेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एजो रिडक्टेज। फ्रेंड्स, सल्फासेलेजिन इज एक्टिवेटेड इन इंटेस्टाइन बाई एजो रिडक्टेज एंजाइम एंड कन्वर्टेड इंटू 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फापिरिडिन एंड यूज्ड फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो फ्रेंड्स, सल्फासेलेजिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ही मेटाबोलाइज होता है, क्योंकि वहीं पे एजो रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है और इसी वजह से वहाँ पे ये मेटाबोलाइज होकर 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और सल्फापिरिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहीं पे अपना एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। ड्रग हैविंग न्यूक्लियस ऑफ थायाजोलिडिन डायोन्स एंड यूज्ड एज एंटी डायबिटिक इज। ऑप्शन ए पायोग्लिटाजोन, ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन, ऑप्शन सी टोलबुटामाइड एंड ऑप्शन डी मैग्लिटिनाइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पायोग्लिटाजोन, जिसके अंदर थायोजोलिडिन डायोन्स न्यूक्लियस होता है और एंटी डायबिटिक के रूप में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ पैरासिटामोल विच कॉजेज लीवर डैमेज। ऑप्शन ए एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड एंड ऑप्शन डी हिप्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, अगर पैरासिटामोल को एक्सेसिवली लिया जाए तो ये लीवर को डैमेज करता है और इसका रीज़न ये है कि ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है। ऑप्शन ए दैट इज एन एसिटाइल पेरा बेंजोक्विनोन इमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। इन द स्टीरोइडल न्यूक्लियस देर आर ऑप्शन ए 6 काइरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस दैट इज 5, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ऑप्शन बी 6 काइरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस दैट इज 5, 7, 9, 10, 11 एंड 12। ऑप्शन सी 6 काइरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस दैट इज 5, 8, 9, 10, 13 एंड 14 एंड ऑप्शन डी 6 काइरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस दैट इज 5, 7, 9, 10, 13 एंड 14। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें स्टेरॉइडल न्यूक्लियस का बेसिक थिंग स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6 काइरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस दैट इज 5, 8, 9, 10, 13 एंड 14। फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसमें से एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि स्टीरोइडल न्यूक्लियस में कौन सी रिंग पाई जाती है। तो बेसिक रिंग फॉर स्टीरोइड न्यूक्लियस इज 1-2 साइक्लोपेंटेनो फेनेंथ्रिन स्केलेटन सिस्टम। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि 5 नंबर पोजिशन, 8 नंबर पोजिशन, 9 नंबर पोजिशन जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, 10th नंबर पोजिशन, 13 नंबर पोजीशन और 14 नंबर पोजीशन पे काइरल सेंटर्स होगा। यानी इस जगह पे इस तरीके से कार्बन होंगे कि उनके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। 3 डाइसल्फाइड लिंकेज
आर प्रेजेंट इन इंसुलिन बिटवीन एंड विद इन टू अमीनो एसिड चेन ए एंड बी. दीज पोजिशन आर 8. ऑप्शन ए बिटवीन ए 7 एंड बी 7, ए 20 एंड बी 19 एंड ए 6 एंड ए 11. ऑप्शन बी बिटवीन ए 7 एंड बी 7, ए 20 एंड बी 20 एंड ए 6 एंड ए 11. ऑप्शन सी बिटवीन ए 7 एंड बी 7, ए 19 एंड बी 19 एंड ए 8 एंड ए 11. एंड बिटवीन ए 7 एंड बी 7, ए 20 एंड बी 19 एंड ए 8 एंड ए 11. दोस्तों क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि इंसुलिन के अंदर 3 डाइसल्फाइड लिंकेज पाई जाती है और उसमें 2 अमीनो एसिड चेन्स होती है ए और बी. तो उन तीनों डाइसल्फाइड लिंकेज की पोजिशन कहाँ कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज बिटवीन ए 7 एंड बी 7, ए 20 एंड बी 19 एंड ए 6 एंड ए 11. फ्रेंड्स इंसुलिन हैव 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन्स. चेन ए हैव 21 अमीनो एसिड वाइल चेन बी हैव 30 अमीनो एसिड्स. फ्रेंड्स इसमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे. तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का. द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एज दैट ऑफ डायूरेटिक एजेंट क्लोरथायजाइड इज. ऑप्शन ए प्रोपेनोलोल, ऑप्शन बी क्वेनेथिडीन, ऑप्शन सी डाइएजॉक्साइड एंड ऑप्शन डी मिनोक्सिडिल. तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें. फ्रेंड्स आपका एक कमेंट या एक लाइक हमारे अंदर एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें. मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स.